गुड मॉर्निंग क्लास 7। वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 13 एडिशन द ग्रेट साइंटिस्ट। फर्स्ट पैरा, द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड रेट्स स्लोली ऑन द फील्ड साइंटिस्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री इज फुल ऑफ साइंटिस्ट, सम ऑफ ग्रेट रिप्यूट एंड सम नॉट सो ग्रेट। एडिशन इज वन ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ ग्रेट रिप्यूट। वेन एवर वी विश टू रीड एट नाइट, वी press a switch on a board and an electric bulb or tube light up who gave us this light. It was Edison who changed this dark world into a shining world full of light everywhere. आधुनिक संसार की प्रगति वैज्ञानिक पर निर्भर है। हमारा इतिहास वैज्ञानिक के परिपूर्ण है, कृतज्ञ महान ख्याति के और कुछ कम प्रसिद्धि के। एडिशन महान ख्याति के वैज्ञानिकों में एक है। जब कभी इस हमरात्रि में पढ़ना चाहते हैं, हम बोर्ड पर लगे एक स्विच को दबाते हैं और एक विद्युत बल्ब अथवा ट्यूब हमें प्रकाश देता है। यह प्रकाश है हमें किसने दिया? यह एडिशन ही था जिसने इस अंधेरे संसार को सर्वत्र प्रकाशपूर्ण संसार में परिवर्तित कर दिया। Edison's full name was Thomas Alva Edison. He was an American. He loved experiments even in his childhood. He was always curious for knowledge. He was always full of questions and was never satisfied till he got the right answer. The present story is from his childhood, which tells us about his curiosity about things. One day he was at a school. His teacher was telling the class a story about birds. He stood up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" "Because man has no wings like birds," replied the teacher. The young boy thought for a moment and asked her again, "But kites have no wings and yet they fly in the sky." एडिशन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। वह एक अमेरिकी था। वह अपने बचपन में भी परीक्षणों से प्यार करता था। वह नई चीजें जानने का सदैव उत्सुक था। उसे प्रश्न पूछना अच्छा लगता था और जब तक सही उत्तर न मिले वह संतुष्ट नहीं होता था। यहाँ पर उसके बचपन की एक कहानी दी जा रही है जो वस्तुओं को जानने की उसकी उत्सुकता के विषय में हमें बताती है। एक दिन बालक एडिशन स्कूल में था। उसकी अध्यापिका पक्षियों के विषय में एक कहानी कक्षा में सुना रही थी। एडिशन खड़ा हो गया और अध्यापिका से पूछा, "मैडम, मनुष्य पक्षी की भांति क्यों नहीं उड़ सकता?" अध्यापिका ने उत्तर दिया, "क्योंकि पक्षियों के समान मनुष्य के पंख नहीं हैं." छोटे बालक के क्षण भर के लिए सोचा और फिर प्रश्न किया, "परंतु पतंग के पंख नहीं होते और फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं." The student laughed and the class was filled with peals of laughter. At this, the teacher became angry and lost her patience. She thought that the boy was stupid and naughty and teasing her. So she asked his parents to take him out of the school. His parents took him home, but they knew it that he was not a stupid boy. This incident took place when the boy was only 8 years old. छात्र हंस पड़े और क्लासरूम हंसी के शोर से भर गया। इस पर शिक्षिका को गुस्सा हो गई और धैर्य खो बैठी। उन्होंने सोचा कि बच्चा मूर्ख और शरारती है, अतः उन्होंने उसके माँ बाप से उसे स्कूल से हटा लेने के लिए कहा। उसके माता पिता उसे घर ले आए। वे भली भांति जानते थे कि वह उनका बच्चा मूर्ख नहीं है। यह घटना तब हुई जब एडिशन केवल 8 वर्ष का था। नेक्स्ट पैरा, नाउ हियर इज अनदर इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। वन मॉर्निंग ही वाज वॉचिंग अ बर्ड इन फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। दिस gave young Edison an idea. The bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms. He thought to himself he wanted to experiment it on someone. He got hold of a few worms, crushed them into a pulp and mixed it in water. He took the mixture to a servant girl
एंड सेड टू हर दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। अब उसके बचपन की एक यह घटना को भी जानिए। एक दिन प्रातः वह एक चिड़िया को देख रहा था। वह जमीन पर उतरी और अपनी चोंच से कुछ कीड़े मकोड़े उठाए और उड़ गई। ऐसे युवक एडिशन को विचार आया, चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है, आदमी भी कीड़े मकोड़े खाए तो उड़ सकता है। उसने सोचा वह इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। उसने कुछ कीड़े मकोड़े लिए, उनकी लगूदी सी बनाई और उसे पानी में मिला दिया। वह उस मिश्रण को एक बाल सेविका के पास ले गया और उससे कहा, यह एक अद्भुत मिश्रण है, यदि तुमने इसको पी लिया तो तुम पक्षी की तरह उड़ सकोगी, आओ इसे पी लो और देखो। बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल। यंग एडिशन्स मदर वॉन्ट हिम नॉट टू डू सच ए सिली एक्सपेरिमेंट्स। उससे वह लड़की उड़ी तो नहीं लेकिन वह बीमार जरूर पड़ गई। इसके लिए उसकी माँ ने उसे समझाया और वार्निंग दी। इट्स एनफ फॉर टूडे क्लास, वी विल स्टडी टुमारो फ्रॉम द नेक्स्ट पैरा। थैंक यू।